और भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं, यार इसे तो अपना चैनल समझो। तो जैसा कि मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि आपका जेई मेन जून में नहीं हो सकता, मुझे मेरे पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। सो अभी अभी यूपी गवर्नमेंट ने बेसिकली एक बैन लगा दिया आपका पब्लिक गैदरिंग्स पे 30 जून के तहत, ठीक है। अगर 30 जून तक आप पब्लिक गैदरिंग्स में यूपी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब सोचो, अगर आपका जेई मेन जून में हो रहा है, पब्लिक गैदरिंग नहीं हुआ, पब्लिक गैदरिंग को 4 लोग से ज़्यादा में हो जाता है, यहाँ पर तो कम से कम एक एक यू नो अगर आपको एक स्कूल में कराना है तो ऑब्वियसली आपको कम से कम 400 लोग लगेंगे, ठीक है। सो देर इज नो चांस दैट जेई मेन 2020 इज गोइंग टू हैपन बिफोर जून, ठीक है। चांसेस कम है कि वो आपका जुलाई में भी हो, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफ साइड अभी जुलाई बोल देते हैं कि आपका जुलाई में हो सकता है। बट जितने लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं अभी जेई मेन के लिए, कम से कम आप अब 60 या 65 दिन की स्ट्रेटेजी बना सकते हो अपने लिए, ताकि आपको वो फायदा करे, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, गवर्नमेंट पैनल ने भी प्रपोज कर दिया है कि आपका जो नया सेशन होगा उसको डिले करके हम सितंबर से चालू करने वाले हैं, ठीक है। अगर अब वो सितंबर से अब चालू होने को जाएगा, सो ऑब्वियसली आपका जे एडवांस होने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर आपका जे एडवांस अगर होता है, आपका नया कॉलेज का सेशन चालू नहीं हो सकता दिसंबर या फिर जनवरी के पहले, ठीक है। सो दीज टू न्यूज आर द बिगेस्ट न्यूज दैट आई कैन हैव गिवन यू टूडे। एंड इससे यही निकलता है कि आपका कम से कम जेई मेन तो और ज्यादा पोस्टपोन हो चुका है। जेई मेन आपका पहले मई में होने वाला था, मई में भी नहीं हो रहा है, फिर आपका जून में होना था, मतलब जून में भी नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, कम से कम आई एम टेलिंग यू, 1 लाख लोग यूपी से जेई मेन देते हैं, यूपी से ही कम से कम 1 लाख लोग जब जेई मेन देते हैं, सो हाउ कैन यू कीप द जेई मेन यू नो व्हेन ऑब्वियसली 1 लाख पीपल आर नॉट अपेयरिंग फॉर इट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि आप किसी रिमोट प्लेस से जेई मेन दे दो, नहीं, आपको स्कूल जाके ही देना पड़ेगा, ऑथराइज एग्जामिनेशन है ये, ठीक है। सो चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ लो कि आपका जेई मेन अब नहीं होने वाला है जून में, और जे एडवांस होने के चांसेस दिन बर दिन कम होते जा रहे हैं। प्लीज बी मोर जेई मेन सेंट्रिक, जेई मेन की प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छे से कर लो। आई एम टेलिंग यू, चांसेस और कम हो रहे हैं जे एडवांस के। मेरी ओपिनियन अगर मानो, 20-80 हो चुका है, 20 के आपका एडवांस होने वाला है और 80 के आपका जे एडवांस नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर ऐसा होता है, आपकी काउंसलिंग IITs की भी जेई मेन के थ्रू होने वाली है। सो देयर फोर एडवाइसिंग यू ऑल टू प्लीज प्रिपेयर मोर फॉर जेई मेन एंड नॉट JEE एडवांस्ड, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। दीज टू न्यूज वर द बिगेस्ट अपडेट्स आई कुड हैव गिवन यू टुडे, एंड आई होप आई मेड योर डे। थैंक यू वन एंड ऑल।